आईपीएल 2022 के होने वाले मेगा ऑक्शन की तैयारी जोरों पर है। 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में मेगा ऑक्शन का आयोजन होना है। हर टीम अच्छे अच्छे प्लेयर्स को टीम में शामिल करना चाहती है। एक और टीमें जहां अच्छे प्लेयर्स पर निगाहें बनाई हुई हैं, तो कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनके पास भारत दौरे पर आ रही वेस्टइंडीज के साथ खेली जाने वाली वनडे और टी20 सीरीज के दौरान खुद को प्रूव करने का मौका है। ऐसे में आज का हमारा ये वीडियो इसी बात पर आधारित है कि वेस्टइंडीज सीरीज में खेल रहे वो खिलाड़ी कौन हैं जो मेगा ऑक्शन में बड़ी रकम हासिल कर सकते हैं। वेस्टइंडीज के साथ होने वाली टी20 और वनडे मैचों में कुल 8 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें अलग अलग टीमों ने अपने साथ जोड़ लिया है। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस, केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स, ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स, विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स, सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस, रवि बिश्नोई लखनऊ सुपर जायंट्स और मोहम्मद सिराज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में शामिल हैं। पर वेस्टइंडीज के साथ होने वाली टी20 और वनडे मैचों में कुल 9 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें अभी तक किसी टीम ने अपने साथ नहीं जोड़ा है और ये सभी खिलाड़ी मेगा ऑक्शन का हिस्सा हैं। इनमें नंबर 1 पर हैं कुलदीप यादव। कुलदीप यादव एक चाइना मैन गेंदबाज है। भले ही इस खिलाड़ी के पिछले कुछ साल अच्छे नहीं रहे हैं, पर इस खिलाड़ी में काबिलियत कमाल की है। भारतीय टीम से बाहर चल रहे कुलदीप यादव के पास वेस्टइंडीज के साथ होने वाली घरेलू सीरीज आईपीएल मेगा ऑक्शन में अच्छे तरीके से वापसी करने का बेहतरीन मौका है। उम्मीद है कि अगर कुलदीप यादव की फिरकी में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज अपने विकेट गंवाते हैं तो मेगा ऑक्शन में उन पर अच्छी बोली जरूर लग सकती है। आपको क्या लगता है, कुलदीप यादव को कौन सी टीम टारगेट कर सकती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरे नंबर पर हैं श्रेयस अय्यर। दिल्ली के कप्तान रह चुके श्रेयस अय्यर पर कई टीमों की निगाहें हैं। पहले माना जा रहा था कि श्रेयस अय्यर अहमदाबाद या लखनऊ टीम की कप्तानी कर सकते हैं, पर अब ऐसा नहीं है। श्रेयस अय्यर को अभी तक किसी भी टीम ने अपने साथ नहीं जोड़ा है। श्रेयस अय्यर ओपनिंग और मध्य क्रम के बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही श्रेयस अय्यर अच्छे कप्तान भी हैं। आईपीएल रिकॉर्ड्स भी उनके कमाल के हैं। देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका दौरे पर श्रेयस अय्यर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में श्रेयस अय्यर को फिर से अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो उनके ऊपर 10 करोड़ से ज्यादा की बोली लगाना तय है। आपको क्या लगता है कि श्रेयस अय्यर को कौन सी टीम टारगेट कर सकती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तीसरे नंबर पर शिखर धवन। दिल्ली के इस धड़कन खिलाड़ी को भी अभी तक किसी भी टीम ने अपने साथ नहीं जोड़ा है। धवन आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की टॉप 5 लिस्ट में शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शिखर धवन ने अपनी अच्छी बल्लेबाजी करके अपनी फॉर्म जाहिर कर दी है। शिखर धवन की कोशिश होगी कि वो वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करे ताकि धवन के ऊपर भी 10 करोड़ से ज्यादा की बोली लगाई जाए। आपको क्या लगता है कि शिखर धवन को कौन सी टीम टारगेट कर सकती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए अब आपको एक साथ बाकी प्लेयर्स के भी नाम बता देते हैं। इनमें नंबर 4 पर हैं शार्दुल ठाकुर, नंबर 5 पर हैं दीपक चहर, नंबर 6 पर हैं आवेश खान, नंबर 7 पर हैं प्रसिद्धि कृष्णा, नंबर 8 पर हैं वॉशिंगटन सुंदर और नंबर 9 पर युजवेंद्र चहल मौजूद हैं। ये वो सभी प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर अच्छे खासे पैसे खर्च किए जा सकते हैं। आपकी इन सभी 9 प्लेयर्स को लेकर क्या राय है, कौन सी टीम किस खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर सकती है, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको अगर आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।